हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का माय एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम रीजनिंग का टॉपिक करेंगे कैलेंडर, ठीक है। तो कैलेंडर की आज की जो वीडियो है बेसिक होने वाली है। तो आज की वीडियो में केवल और केवल हम सीखेंगे कि कैसे आप ओ डेज निकालते हैं। सारा का सारा फंडा यदि आपने आज की वीडियो देख ली तो आपका बेसिक है कैलेंडर का, कि कैसे आप ओ डेज निकालते हैं दिनों में, सालों में, जो भी आपको गिवन है। तो आज की वीडियो में केवल और केवल हम बेसिक करेंगे। सेकेंड वीडियो में हम प्रैक्टिस के साथ साथ जितनी भी आपकी टाइप बनती है सभी की सभी कवर करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। यदि आपने आज की वीडियो मिस कर दी तो कैलेंडर आपको बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला है। तो सबसे बेस्ट अप्रोच के साथ हम देखेंगे कैलेंडर आप कैसे सीखेंगे। जिन बच्चों को भी दिक्कत आती है, आज के बाद दिक्कत आपको नहीं आने वाली है, बहुत ही आसान तरीके से सीखने वाले हैं। यदि आप चैनल को पहली बार देख रहे हो और हरियाणा से किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, माई एग्जाम बाई भूपी दिया, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आपने यदि हमारे अब तक सेकंड चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है माय एग्जाम ट्रिक्स, तो उसको भी आप जरूर सब्सक्राइब कर ले। जितना प्यार आप लोगों ने इस चैनल को दिया है तो इतना ही प्यार आप इस चैनल को भी दीजिए, ठीक है। इस चैनल पर आपको मैथ एंड रीजनिंग की जबरदस्त ट्रिक्स सीखने को मिलेंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं कैलेंडर। तो कैलेंडर का जो मेन फंडा है, सबसे बड़ा जो फंडा है, केवल और केवल निकालना है ओ डेज। यदि आपको ओ डेज निकालने आ गए तो आप कैलेंडर के सभी क्वेश्चन कर लेंगे। चार से पांच टाइप बनती हैं, वो देखेंगे बिल्कुल आसान तरीके से। रटना नहीं है कि हर एक चीज को आप बिल्कुल आसानी से कैसे सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आप सभी को पता है कि साल जो होता है उसमें कितने दिन होते हैं भाई, 365 दिन। ये तो बात हो गई जब साधारण दिन हो, कितने दिन होते हैं 365। यदि साधारण वर्ष है यानी कि ऑर्डिनरी ईयर है, यदि यहीं पर हम बात करें लीप ईयर की तो उसमें कितने दिन होते हैं आपके 366। लीप वर्ष में कितने होते हैं 366 दिन होते हैं। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है ओड डेज यानी कि विषम दिन, आपसे पूछा जाता है कि विषम दिन आप। अब आप सभी को पता है जो आपका सप्ताह होता है, सप्ताह जो होता है बिल्कुल बेसिक से सीखेंगे हम, बेसिक से एडवांस चलेंगे बिल्कुल। तो सप्ताह जो होता है उसमें आपके 7 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं भाई, 7 दिन होते हैं, सभी को पता है। तो दिन जो होता है आपका संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ठीक है, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, फिर दोबारा से आपका रिपीट होता है हर 7 दिन के बाद। यदि मैं आपसे बोलूं कि 7 दिन के बाद क्या आएगा तो आप क्या करते हैं, उंगलियों पे काउंट नहीं करेंगे। तो यहां पर जो बेसिक फंडा होता है क्या होता है कि जब भी आपसे पूछा जाए कि आपका सप्ताह क्या होता है, हर 7 दिन के बाद क्या होता है, रिपीट होता है, ठीक है। तो रिपीट होता है इसका मतलब क्या है, यदि मैं आपसे पूछूं कि 8 दिन के बाद क्या आएगा तो आपको गिनना नहीं है उसमें 8 दिन, तो आप क्या करेंगे उसको 7 से भाग कर देंगे, ठीक है। जब कभी भी आपको विषम दिन निकालने हैं तो आप क्या करेंगे, 7 से भाग करेंगे और जो भी शेष बचेगा, रिमाइंडर बचेगा, वो आपका क्या आ जाएगा, ओड डेज निकल। अब देखिए, जैसे मैं आपसे पूछूं कि 14 दिन में कितने आपके ओड डेज होते हैं तो आप क्या करेंगे, 7 से भाग कर देंगे, 7 × 14 यानी कि 0 आप बता देंगे। जैसे कि एक आपको एग्जांपल बताता हूं कि 7 से भाग क्यों करते हैं। जैसे कि आज मैं बोलूं कि आज क्या है भाई, मंडे है, आज क्या है, मंडे है। आज यदि मंडे है तो 8 दिन के बाद कौन सा दिन होगा, 8 दिन के बाद कौन सा दिन होगा, तो आप क्या करेंगे, दो तरीके से बता सकते हैं। या तो मंडे में 8 में जोड़ दूं, आज मंडे है तो इसमें 8 जुड़ेंगे यानी कि मंगल, बुध, वीर, सॉरी 8 जोड़ने हैं, मंगल, बुध, वीर, शुक्र, शनिवार, एतवार, सोमवार, फिर दोबारा से मंगलवार। या फिर आप एक तरीका करेंगे, 8 है तो क्यों ना इसको 7 से भाग दे दूं, 7 × 7, रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 रिमाइंडर बचेगा, और ये रिमाइंडर क्या है आपका, ओल्ड डेज है। इसको केवल आप 8 को ऐड करने की बजाय जो रिमाइंडर आएगा उसको आप मंडे में जोड़ दो यानी कि 1 दिन बढ़ा दो, तो मंडे में अगला दिन जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, मंगलवार आ जाएगा, ठीक है। ये तरीका होता है आपका, आपको कोई भी दिन बताना यदि होता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, ये आपका बेसिक था कि सप्ताह में, ये तो सभी को पता होगा कितने दिन होते हैं कितने नहीं होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं महीनों की। अब आप सभी को पता है महीने जनवरी से लेकर दिसंबर तक होते हैं, ठीक है। कब तक होते हैं आपके, जनवरी से लेकर, यहां पर मैं लिख देता हूं, सभी लिखने की जरूरत नहीं है, एक दो लिख देता हूं, बाकी आप सभी समझदार है कर लेंगे। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून,
जुलाई अगस्त, यहां तक चलते हैं। अब सभी को पता है कि भाई जनवरी में कितने दिन होते हैं आपके, 31 दिन होते हैं। कितने होते हैं? 31। फरवरी यदि मैं बात करूं साधारण दिन की तो फरवरी में होते हैं 28, और यदि मैं बात करूं लीप ईयर की तो आपके होते हैं 29 दिन, ठीक है। उसके बाद मार्च में करें तो 31, अप्रैल में भी 30, फिर 31, फिर 30, फिर जुलाई और अगस्त दोनों में 31, ठीक है। तो कहने की बात है यदि आपका 31 का महीना हो तो यदि आपसे पूछे कि इसमें ओड डेज कितने होते हैं जनवरी में, तो आप क्या करेंगे, 7 से भाग करेंगे 31 को, तो 7 चौक 28, तो रिमाइंडर कितना बचेगा भैया आपका, 31 को 7 से भाग करो 4 पे कटेगा, तो रिमाइंडर बचेगा आपका 3, 7 चौक 28 और 3, यानी कि आपके विषम दिन कितने होंगे 31 वाले महीने में, 3। यदि मैं बात करूं 28 वाले में, यानी कि साधारण यदि आपका साल है तो आपके विषम दिन कितने होंगे, 0। यदि लीप ईयर होगा तो 728 आपका रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। यदि लीप ईयर है तो आपका रिमाइंडर यानी कि ओड डेज कितने होंगे, 1, ठीक है, फरवरी महीने में। फिर दोबारा से 31, तो 31 वाले में कितने आपके आएंगे, 3, और 30 वाले में कितने आएंगे, तो 30 को 7 से भाग करेंगे तो बचेगा 2। तो कहने की बात है यदि आपका 30 का महीना है तो आपके विषम दिन आएंगे 2, और 31 का है तो आपके आएंगे 3, और वहीं पर बात है यदि साधारण है तो 0 और लीप है तो 1। तो ये हम निकालते हैं ओड डेज, 7 से भाग आपको करना है और जो आपका शेष बचेगा वो आपके क्या हो जाएंगे, ओड डेज, ठीक है। ये फंडा जब आप क्वेश्चन करेंगे ना, जब आपको समझ में आएगा, ये आपका बेसिक है कि कैसे हम ओड डेज निकालते हैं। अब आपका देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, डायरेक्ट दे दिया जाएगा कि 30 दिनों में बताइए कितने आपके ओड डेज होते हैं, कितने आपके ओड डेज होते हैं। तो आप क्या करेंगे, इस 30 को 7 से भाग कर देंगे, 728, और जो शेष बचेगा वो आपके क्या जाएंगे, ओड डेज, ठीक है। इस तरह से हम करेंगे। फिर हम देखते हैं, आगे चलते हैं, एक और आपसे पूछेगा कि 75 दिनों में कितने ओड डेज होते हैं, 75 दिनों में कितने ओड डेज होते हैं। तो आप क्या करेंगे, सेम वही तरीका है, 75 को 7 से भाग कर दो और जो शेष बचेगा वो आप लिख दो, यानी कि 10 पे कटेगा तो ओड डेज आपके कितने आ जाएंगे, 5, 75 दिनों में। इसको एक बार नोट डाउन कीजिए, फिर आपको बताता हूँ, आगे चलते हैं बेसिक, इसको नोट डाउन कर लीजिए एक बार। अब देखिए यही पर बात, इसको रब कर दूँ, ठीक है, इसको रब कर देते हैं, ये लिख लिया होगा सभी ने। आप देखिए मैंने आपको बोला कि 75 दिनों में कितने विषम दिन होते हैं, तो आपने बता दिया भाई 5। यदि यहीं पर मैं आपसे बात करूं कि 75 साल में कितने आपके ओड डेज होते हैं, तो आप सभी को पता है कि लीप ईयर आपका कौन सा होता है, जो वर्ष आपका 4 से भाग हो जाए वो आपका क्या होगा, लीप ईयर। 4 से भाग हो जाए तो वो हमारा क्या होता है, लीप ईयर, ठीक है। साधारण वो होता है जो 4 से भाग ना हो, तो लीप ईयर होगा तो इसका मतलब क्या है, यानी कि आपके फरवरी में 29 दिन होंगे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, 4 से भाग होगा। यदि बात करें सेंचुरी की, ये ध्यान रखना है, यदि सेंचुरी वर्ष हो, शताब्दी वर्ष हो, जैसे 100, 200, 300, 400, तो वो आपका भाग होना चाहिए लीप ईयर के लिए 400 से, ठीक है। यानी कि शताब्दी के लिए आप क्या करेंगे, 2 जीरो यहां पर ऐड कर देंगे 4 में। यदि लीप ईयर चेक करना है तो आपको क्या करना है, 4 से भाग करना है। यदि वो 4 से भाग हो गया तो आपका वो जो गिवन वर्ष है वो आपका लीप ईयर होगा। लीप ईयर का मतलब क्या है, फरवरी में आपके 29 दिन होंगे। यदि शताब्दी वर्ष है तो आपको 400 से भाग करना है। यदि वो 400 से भाग हो गया तो आपका वो क्या है, लीप आपका वर्ष है, ये आपको ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन में देखिए क्या था कि 75 सालों में कितने आपके ओड डेज होंगे, तो यानी कि 75 साल की बात हुई है, इसमें आपके दो तरह के होंगे, क्या होंगे, दो तरह के वर्ष होंगे, ऑर्डिनरी होंगे और आपका क्या होगा, लीप ईयर होंगे। ऑर्डिनरी होंगे और का
लीप ईयर होंगे। ये चीज़ ध्यान से समझना, यदि आपको ये चीज़ समझ में आ गई तो आप कोई भी क्वेश्चन कर लेंगे। देखिए दो तरह के दिन होते हैं, आपके ऑर्डिनरी भी होंगे और आपके लीप भी होंगे। तो सबसे पहले हम भाई 75 में निकाल लेते हैं कि 75 सालों में कितने लीप वर्ष आए हैं। तो कितने लीप वर्ष आए हैं तो देखते हैं कैसे निकालते हैं। मैंने अभी बताया कि 75 को 4 से भाग कर दो। लीप ईयर के लिए हम क्या करते हैं, 4 से भाग करते हैं। तो इसको 4 से भाग करेंगे तो कितना आएगा आपका, कितने पे कटेगा ये, 4 एकम 4 3, फिर 35 बचेगा, फिर आप देखिए ये कटेगा आपका 8 पे। ठीक है, कितने पे कटेगा, 8 पे, यानी कि जितने पे वे कटेगा वो आपके क्या हो जाएंगे, लीप। तो यानी कि 18 इसमें क्या है, लीप वर्ष। 75 सालों में 18 तो लीप वर्ष है, बाकी जो बच गए यानी कि 75 में से 18 जो आपके बच गए, तो यानी कि कितने बच गए आपके, 57 आपके साधारण वर्ष होंगे। साधारण क्या होंगे, वर्ष होंगे। अभी मैंने बताया कि लीप ईयर में क्या होता है, आपका एक दिन एक्स्ट्रा आता है क्योंकि फरवरी महीने में 29 दिन होते हैं। और इसमें आपका क्या होता है, इसमें आपके 29 नहीं होते, फरवरी का महीना 28 का होता है। देखिए साधारण जो होता है 365, इसको 7 से भाग करो आप तो 7 × 5 = 35, फिर आपका 1 बचेगा और 7 × 2 = 14, यानी कि 1 आपका इसमें क्या बच रहा है, ओड डेज, और 52 आपके पूरे हफ्ते हो गए। यदि वो क्या है, यदि वो साधारण है तो आपके कितने दिन आते हैं भाई, 1 विषम दिन आता है। यदि यहीं पर हम बात करें लीप वर्ष की, तो ये देखिए 7 × 5 = 35 और आपका 1 बचेगा 7 × 2 = 14, तो 52 हफ्ते और 2 आपके क्या बचेंगे यहाँ पर, विषम दिन। तो कहने की बात है कि लीप वर्ष में 1 दिन आपका एक्स्ट्रा आता है। ठीक है, जब कभी भी आपको लीप वर्ष जंप करना है, जब हम क्वेश्चन करेंगे बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन करना है। अभी जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ केवल और केवल वो याद रखनी है। यदि साधारण वर्ष है तो उसमें कितने ओड डेज, 1 365। सिंपल फंडा है, जब भी आपको ओड डेज निकालना है तो आप केवल क्या करो, 7 से भाग कर दो और जो रिमाइंडर बचे वो आपका क्या आएगा, विषम दिन। तो यही हमने बात की, लीप ईयर में 366 है, 7 से भाग किया तो 52 पूरे हफ्ते हो गए और 2 आपके क्या आ गए, विषम दिन। तो अब देखिए 75 में आपके 18 तो क्या है, लीप, और 57 क्या है आपके, साधारण। तो साधारण में आपके ओड डेज कितने हैं, ओड डेज निकालने, यानी कि 57 साल हो गए आपके, तो 1 साल में 1 है तो 57 में कितने होंगे, तो 57 × 1 यही तो होगा। अब 18 लीप वर्ष है तो 1 लीप वर्ष में 2 आपके साधारण हैं, तो 18 में कितने होंगे, 18 को 2 से गुणा कर दो, तो 18 × 2 तो कितने आ गए भैया, 36। अब टोटल देख लो, 57 तो ये हैं और 36 ये हैं, 18 × 36, तो टोटल आपके कितने आ गए लीप वर्ष, तो टोटल दिन आपके कितने आ गए, 93। ठीक है, सिंपल फंडा है, 4 से भाग किया आपका 18 पे कटेगा, यानी कि 18 लीप वर्ष, बाकी जो बच गए वो आपके साधारण। ठीक है, अब साधारण है 1 साल में 1 तो 57 में कितने, 57। 18 लीप है तो 1 लीप वर्ष में 2 तो 18 में कितने, 2 से गुणा कर देंगे तो 18 × 36, तो टोटल दिन कितने आ गए आपके, 93। अभी आप ये नहीं कहेंगे कि सर हमारे जो ओल्ड डेज होते हैं 93 होते हैं, इसको छोटा बताना है, 7 से छोटा। अब 7 से भाग कर दो इसको, 13 × 7 = 91, यानी कि आपके कितने आ जाएंगे, 2। ठीक है, जब कभी भी आपसे पूछे कि 75 सालों में कितने होते हैं आपके विषम दिन, तो आप बताएंगे 7 से भाग करके आप रिमाइंडर जो बचेगा 2, ये नहीं बताएंगे 93 है। ठीक है, हमेशा जब तक 7 से बड़ी आती रहेगी संख्या तो 7 से भाग करते रहोगे और जो रिमाइंडर बचेगा वो आपके क्या हो जाएंगे, आपके ओटेज, विषम दिन। समझ में आ गई ये चीज़ें। तो दो तरीके से तरीके थे आपके, यदि सालों में पूछे तो आप इस तरह से निकाल लेंगे, ऑर्डिनरी के अलग और लीप के अलग। यदि आपसे डायरेक्ट पूछे 75 दिनों में कितने, तो डायरेक्ट आप 7 से भाग कर देंगे। ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पर दिन दे रखे हैं और यहाँ पर आपको साल दे रखे हैं, तो साल से पहले आपको दिन निकालने पड़ेंगे। दिन कितने आए आपके, 93। अब उस दिन को 7 से भाग करके निकालेंगे। नोट डाउन कर लीजिए एक बार, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखिए, अब जो आपको याद करना है, डायरेक्ट आपको याद करना है यहाँ पर,
कि आपके कितने सालों में कितने आपके विषम दिन होते हैं, डायरेक्ट आपको याद करना है। कैसे? देखिए, कुछ बच्चों का कन्फ्यूजन रहता है कि सर 100 सालों में बताइए हमें कितने होते हैं, 100 सालों में बताइए हमारे कितने विषम दिन होते हैं। अब देखिए बच्चे इसमें क्या कन्फ्यूजन करते हैं। अब आप क्या करेंगे, मैंने आपको एक तरीका बताया कि इसमें क्या करेंगे, आप 100 से भाग करेंगे 4 को, तो 25 लीप ईयर निकाल लेंगे। ठीक है, दो तरीके बताए थे, ऑर्डिनरी यानी कि साधारण और लीप। दो तरह के आपके साल होते हैं, तो यानी कि 100 सालों में आपके साधारण भी आएंगे और लीप भी आएंगे। तो लीप के लिए आप क्या करेंगे, 4 से इसको भाग कर देंगे और 25 आपने लीप ईयर निकाल लिए, तो 100 में से 25 और बाकी 75 जो बच गए आपके साधारण। अब एक साधारण में एक और डेज, तो 75 में कितने, 75 गुणा एक। अब एक लीप ईयर में दो, तो 25 में कितने, 25 गुणा दो। यही तो करेंगे ना, 25 सालों में है, एक साल में दो, तो 25 में कितने, इसको दो से गुणा कर दो। तो अब आप क्या करेंगे, 75 गुणा एक 75 और 25 दूनी 50। अब आप निकाल देंगे भाई 125 देंगे। अब इस 125 को 7 से भाग करेंगे, तो 7 एकम 7 5 बचेगा आपका, और यहाँ से 5 लेंगे तो ये कितने पे कटेगा, 77 49। ठीक है, 17 पे कटेगा और आप निकाल देंगे 6 और डेज, जो कि आपका गलत होगा। और ये आपको ऑप्शन में ज़रूर मिलेगा कि 6 आपके दिन होते हैं, जो कि गलत होगा। आपने यहाँ पर एक चीज़ नोटिस नहीं की जो मैंने आपको बताई थी, क्या, कि जो शताब्दी वर्ष होता है वो आपका लीप ईयर है या नहीं है, वो आप कैसे देखेंगे कि 400 से भाग होता है कि नहीं। क्या आपका 100 400 से भाग होता है, नहीं होता। तो आपने क्या किया, इस 100 को 4 से भाग करके देख लिया और इस 100 को 100वें साल को लीप ईयर मान लिया। यदि शताब्दी वर्ष है तो 400 से भाग करके देखना है, यदि 400 से भाग होगा तो लीप वर्ष नहीं होगा आपका। ठीक है, तो यानी कि आपने यहाँ पर 25 लिए हैं लीप वर्ष, क्योंकि आपका 100वां लीप वर्ष नहीं है, तो यहाँ पर आपके लीप वर्ष कितने आएंगे, 24। और आपके बाकी जो बच गए 76, वो आपके क्या आएंगे, ऑर्डिनरी डेज। समझ में आ गया, ये आपको निकालना है। यदि यहाँ से भी समझ में नहीं आया आप लोगों को, अब देखिए मुझे एक बात बताइए, लीप ईयर आप कैसे निकालते हैं भाई, 4 से भाग करके देखते हैं। तो 100 सालों में देखिए, यानी कि एक तो चौथा साल होगा, फिर 8वां साल, फिर 12वां, फिर इस तरह से 96, लास्ट जो लीप ईयर होगा वो 96 होगा। 96 के बाद 100, 0 से आपको कहाँ तक जाना है, 100 तक। क्या 100 लीप ईयर है, ये 4 से भाग करके नहीं देखना, 400 से भाग करके देखना, क्योंकि वो शताब्दी वर्ष है। मैंने यही बात बोली है, यदि वो शताब्दी वर्ष है तो 400 से भाग करके देखना है। 100 लीप ईयर नहीं है तो उससे पहले 4 साल पहले कौन सा लीप ईयर आएगा, 96। तो ये आपकी अरिथमेटिक बन गई, 4 8 आपकी 96। तो आपको निकालने भाई कितने लीप ईयर हैं, तो आप फॉर्मूला लगा दो, a + n - 1 × d। अब ए एन यानी कि अन्य टर्म आपकी 96 है, पहली आपकी 4 है, n आपको निकालना है और d आपका डिफरेंस कितना है, 4 का है। तो आप देखिए इसको सोल्व कीजिए, 92 हो गया = n - 1 × 4। अब इसको 4 को यहाँ से भाग करोगे, यहाँ से हट गया तो ये कट गया आपका, 4 × 2 = 8, 4 × 3 = 12, तो 23। और 23 में 1 जोड़ दो तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 24। तो यानी कि आपके लीप ईयर कितने हैं, 4 से लेकर 96 तक आपके 24 लीप ईयर हैं, ना कि 25, क्योंकि यहाँ पर आपने डायरेक्ट गलती करते हैं बच्चे, इस 100 को क्या करेंगे, लीप ईयर मान लेंगे। ठीक है, तो अब आप कैसे निकाल लेंगे इसमें ऑड डेज, अब आपके यहाँ पर 25 नहीं 24 है। ठीक है, इसको ध्यान रखना, इसीलिए मैंने आप लोगों को बताया है ये चीज़। अब देखिए 24 है तो 24 × 2 और ये 76 × 1, तो 76 × 24 = 48, तो ये कितना हो जाएगा, 8 × 14 आपका 124। अब इसको 7 से भाग करेंगे, ठीक है, 7 एकम 7 तो 5 बचेगा, 4 आप लेंगे तो 77 49, 17 पे जाएगा और आपका कितना बच गया, 5 रिमाइंडर। तो 100 सालों में आपके कितने होंगे भाई, आपके 5 और डेज होंगे, 100 साल में कितने होंगे, 5। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, जो वेरी इंपॉर्टेंट थी यहां पर।
ठीक है। तो अब आपको क्या चीज़ याद रखनी है, अब यहाँ पर ये नोट डाउन कर लिया सबने, अब डायरेक्ट आपको लीप ईयर याद रखने हैं जो आपके क्वेश्चन करने में मदद करेंगे। क्या कि 100, 200, 300, 400, 500, फिर आपकी साइकिल रिपीट होती है इसके बाद 800, ठीक है, 100 से लेकर 400, इसके बाद साइकिल आपकी रिपीट होती रहती है 400 के बाद, ठीक है, 4 में 4 की साइकिल, 400 में भी 4 की साइकिल, 400 के बाद दोबारा से। अब 100 में हमने कितने निकालने, ओड डेज, ओड डेज ये आपको याद रखने हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पूरे आपके कैलेंडर में मदद करेंगे। 100 साल में आपने कितने निकाले, 5, तो 100 साल में कितने होते हैं भाई, 5। अब 200 में निकालने हैं कितने होंगे, तो क्या आप इसको दोबारा भाग करोगे, नहीं, अब इस 200 को तोड़ लो 100 प्लस 100 में, ठीक है, 100 प्लस 100 में तोड़ लो, तो 100 में कितने हैं भाई, 5 हैं, तो इस 100 में भी 5 और इस 100 में भी 5, तो टोटल कितने हो गए, 10। अब इस 10 को 7 से भाग, जब मैंने बोला है आपको जब कभी भी 7 से बड़ा हो तो 7 से भाग करके जो रिमाइंडर आए वो लिख देना है, ठीक है, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 3, ठीक है, तो 200 में कितने होंगे आपके ओड डेज, 3। अब 300 में आपके सेम वही, तोड़ो 3 बार, 100 प्लस 100 प्लस 100, ठीक है, 100 प्लस 100 प्लस 100, यानी कि 5, 5 और 5 कितने हो गए, 15। अब 15 को 7 से भाग करो, 7 दूनी 14 और 1 आपका रिमाइंडर बचेगा, तो यानी कि 100 में आपके 5, 200 में 3, 300 में 1। अब बात आई 400 की, अब 400 में आप क्या गलती करेंगे, वही गलती जो 100 में करी थी, इसको अब आप क्या लिखोगे, 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100, अब इसमें 5, 5, 5, 5, यानी कि 20 को भाग करोगे 7 से तो 6 लिखेंगे, जो कि गलत होगा। अब आपने यहाँ पर एक चीज़ नोटिस नहीं की, 400 साल है, तो 400वां साल क्या है आपका, 400 से भाग होता है, लीप ईयर है वो आपका, ठीक है, 400 से भाग होता है, लीप ईयर है वो आपका, तो इसमें आप क्या करेंगे, 1 ऐड करेंगे, 7 या 21, ठीक है, 400वां भी आपका क्या है, लीप ईयर है, क्योंकि ये 400 से भाग होता है, तो 7 या 21, तो 21 को 7 से भाग करो, पूरा भाग होगा, तो 0 आपके यहाँ पर ओड डेज आएंगे, ठीक है। 100 में तो आपका 100 क्या था, लीप ईयर नहीं था, 100 में आपका 100 लीप ईयर नहीं था, 400 में आपका 400 लीप ईयर है, क्योंकि ये शताब्दी वर्ष है और ये 400 से भी भाग होता है, इसलिए यहाँ पर 1 ऐड किया है एक्स्ट्रा लीप ईयर का, तो 7 और 20 और 1 21, 21 को 7 से भाग करेंगे तो 0 पूरा कट जाएगा, तो अब यही साइकिल आपकी रिपीट होती रहेगी, तो आपको लिखना है 5 3 1 0, ठीक है, ये आपकी साइकिल रिपीट होती रहेगी 5 3 1 0, ठीक है, तो मेन आपको याद रखना है 100, 200, 300, 400 के लिए 5 3 1 0, ठीक है, यानी कि 400 और 400 के जो भी मल्टीपल हैं सभी में आपके ओड डेज कितने होते हैं, 0, तो यहाँ पर आपको लिख लेना है 400 के जो भी मल्टीपल हैं 800, 1200, 1600, 2000, इस तरह से इन सभी में आपके क्या होंगे, 0। सबसे इम्पोर्टेंट है ये चीज़ जो आपको कैलेंडर में याद रखनी है कि 100, 200, 300, 400 में कितने आपके ओड डेज होंगे, 5 3 1 0, इस तरह से याद रखेंगे 5 3 1 0, और यही साइकिल आपकी रिपीट होती रहेगी। नोट डाउन कीजिए, फिर क्वेश्चन करते हैं आगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों को सेशन पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। आप देखिए क्वेश्चन करते हैं, कि नोट डाउन कर लिया होगा सभी ने, आप देखिए क्वेश्चन करते हैं डायरेक्ट, आप लोगों को कितना समझ में आया कितना नहीं, यहां तक जो भी हमने पढ़ा है अभी तक, अब देखिए जो भी हमने पढ़ा है, मैं यदि आप लोगों से पूछूं कि 1947 में ओड डेज बताइए कितने होंगे, 1947 में, तो 1947 में आपको डेज बताने हैं, मैंने आप लोगों को सभी चीजें बता दी, ठीक है। अब देखिए कैसे बताएंगे, आप इसको ब्रेक करेंगे, जो भी चीजें मैंने आपको बताई उसमें ब्रेक करेंगे। देखिए 1947 को मैं क्या लिख सकता हूं, 1900 प्लस
47। ठीक है, जो दो चीजें मुझे पता है उसमें तोड़ लेनी है। अब 1900 को भी मैं कैसे तोड़ सकता हूं भाई, जो मुझे पता है 1600 प्लस 300 प्लस 47, पता है कि नहीं पता है? 1600 का मुझे पता है, 300 का भी पता है, 47 मैंने सीख लिया कि कैसे निकालते हैं, जैसे हमने 75 का निकाला था। अब मैंने आपको बताया था एक चीज़, 100 200, ये चीज़ें आपको क्वेश्चन में मदद करेंगी। ठीक है, तो ली और डेज बताए थे 5 3 1 0 और 400 का जो भी मल्टीपल है, क्या 1600 400 का मल्टीपल है या नहीं है? 400 800 1200 1600 है कि नहीं? तो इसमें डायरेक्ट आपके ओड डेज कितने आ गए। मेन फंडा क्वेश्चन में यही है कि 1947 में ओड डेज निकालने हैं और ओड डेज निकाल के आपको क्वेश्चन बता देना है। तो वही मैंने आप लोगों को अब तक बताया है कि ओड डेज विषम दिन कैसे निकालते हैं। भाई 1600 में कितने आ गए आपके? 0, क्योंकि 400 का मल्टीपल है 0। 300 में कितने हैं? 1। अब देखिए कितना आसान हो जाएगा आपका क्वेश्चन, बार बार आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए मैंने आपको बोला कि आज की क्लास बिल्कुल बेसिक है, और जब देखिए जब हम क्वेश्चन करेंगे कैसे फटाक से आप क्वेश्चन करेंगे। तो इसी बात पे लाइक कर दें और कमेंट करके जरूर बताइए। अब देखिए 47 में मैंने आप लोगों को कैसे बताया कि विषम दिन निकालने हैं। अब 47 में दो चीजें हैं, ऑर्डिनरी साधारण और लीप, साधारण और लीप। तो लीप कैसे निकाल लेंगे? 4 से भाग करो इसको, तो 47 को 4 से भाग करोगे तो कितने पे जाएगा? 11 चौक 44, 11 पे जाएगा, तो यानी कि 11 लीप ईयर हो गए, होगे कि नहीं? अब 47 में से 11 तो लीप ईयर, बाकी कितने बच गए? 36, तो वो आपके क्या हो जाएंगे? साधारण। ठीक है, अब 36 है तो 36 एक साधारण में एक और 36 में 36, एक लीप वर्ष में दो आपके ओड डेज, तो 11 में कितने? 11 गुना 2, यही आप लोगों को सबसे पहले मैंने सिखाया। तो 36 एकम 36 और 11 दुनी 22, तो ये आपके कितने हो गए? आपके 58। अब ये 7 से बड़ा है कि नहीं है? अब इसको क्या करो, 7 से भाग करो 58 को, तो 7 2 8 56 और आपका 2 बच गया। तो यानी कि 47 में कितने आ गए आपके ओड डेज? 47 में आ गए भाई 2। अब सबको जोड़ दो, बीच में प्लस का साइन है, सबको जोड़ दो, 0 1 2 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 3। तो 1947 में हमारे कितने ओडेज हैं भाई? 3 ओडेज। ठीक है, 1947 में कितने ओडेज हैं हमारे? 3 ओडेज हैं। ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई सभी को? नोट डाउन कर लीजिए। फिर एक चीज और बताते हैं, अब आपको दिन कैसे बताने हैं, कि कैसे आप लोगों को दिन बताने हैं। दिन आपसे पूछे जाएंगे कि कैसे आप लोगों को दिन बताने हैं। ठीक है, यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया है? ठीक है, यदि फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप देखिए, ये तो थी भाई विषम दिन निकालने की, कि कैसे आपको ओड डेज निकालने हैं, कैसे नहीं निकालने। अब है बात दिनों की, कि कैसे आपको दिन बताने हैं। कि ओड डेज तो आपको निकालने आ गए संडे, ठीक है, यानी कि 0, ये हैं आपके ओड डेज। कि भाई मुझे पता चल गया कि ओड डेज 0 है, 1 है, 2 है, तो दिन मैं कैसे बताऊंगा? ठीक है, अब देखिए 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 0 1 2 3 4 5 6, यानी कि ओड डेज आपके हमेशा 7 से कम ही रहेंगे कि नहीं? क्योंकि हम क्या करते हैं, 7 से भाग करते हैं, यदि 7 आ गया तो वो दोबारा 7 से भागों के 0 बना देगा, तो 7 से कम ही रहेंगे ओड डेज, यानी कि 0 भी हो सकता है और 0 से लेकर 6 तक। यदि हमारा ओड डेज 0 आता है तो उसका मतलब क्या होगा? संडे। उसका मतलब क्या होगा? संडे। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, 0 का मतलब क्या होगा? संडे। अब 1 का मतलब क्या होगा? मंडे, सोमवार, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? ट्यूसडे, यानी कि मंगलवार। 3 का मतलब क्या होगा? वेडनेसडे। 4 का मतलब क्या होगा? थर्सडे। 5 का मतलब क्या होगा? फ्राइडे। और 6 का मतलब क्या होगा?
सैटरडे यानी कि शनिवार। तो यदि आपसे पूछे कि दिन बताइए, इस दिन कौन सा दिन होगा, तो आप ओड डेज निकाल लेंगे और उसके हिसाब से आप दिन अपने बता देंगे। समझ में आई कि नहीं आई बात? तो इसी मैं कहता हूँ कि स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे बिल्कुल बेसिक से। अब हम करते हैं अपनी प्रॉब्लम स्टार्ट। ठीक है, ये था आपका केवल जो समझने का था कैलेंडर में। इसके अलावा आपका कैलेंडर में समझने का कुछ नहीं है। यदि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई तो सब क्लियर है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेना स्क्रीनशॉट लेके। अब देखिए क्वेश्चन कैसे करने हैं आपको। कोई भी एक रैंडम क्वेश्चन लेकर चलते हैं। आप अपने जन्मदिन भी उठाकर देख सकते हैं कि आप जिस दिन पैदा हुए तो उस दिन आपका कौन सा दिन था। अब देखिए 24 जून 2011 आपसे पूछा जाएगा। 24 जून 2011 को कौन सा दिन होगा आपको बताना है। यहाँ पर कौन सा दिन होगा, दिन आप लोगों को बताना है। तो अब आप कैसे बताएंगे, इसमें देखिए आपकी सारी चीज़ें यूज हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? सारी चीज़ें यूज हो जाएंगी। आपको देखिए 2011वां आपको साल जाना है, यानी कि इससे पहले कितने साल जा चुके हैं, 2010 तक। ठीक है, 2010 साल जा चुके हैं। जो भी आपको दी होगी तारीख उससे एक साल पहले आपको लिखना है 2010। यदि मान लीजिए यहाँ पर होता 2012 तो इससे पहले कौन सा साल आया होगा, 2011। तो यानी कि 2011 दिया है तो इससे एक साल पहले लेंगे 2010। और अब हम एक 2011 में, ठीक है, 2010 और 2011 में कहाँ तक जाना है, 24 जून तक जाना है। तो यानी कि इसमें जनवरी आया होगा, फरवरी आया होगा, मार्च, अप्रैल, मई, उसके बाद जून, और जून की भी कौन सी तारीख है, 24 तारीख। ठीक है, क्योंकि 24 तक है। अब हम बात करते हैं भाई ये लीप ईयर है या नहीं है, 2011 हमारा लीप ईयर है कि नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या बताया था कि भाई 4 से भाग होता है तो लीप ईयर, नहीं होता तो लीप ईयर नहीं है। यदि आपने मैथ पढ़ा है तो कैसे चेक करते हैं कि कोई संख्या 4 से भाग है कि नहीं है, तो यानी कि यदि उसकी आखिरी दो संख्याएं कौन सी, 11, यदि ये 4 से विभाजित है तो वो पूरी संख्या 4 से विभाजित है यानी कि वो लीप ईयर है, विभाजित नहीं है तो वो लीप ईयर नहीं है। क्या 11 4 से भाग होता है, नहीं होता तो ये हमारा लीप ईयर नहीं है, साधारण दिन है। साधारण दिन का मतलब क्या है, फरवरी आपका 28 दिनों का होगा। ठीक है, यानी कि जनवरी 31, 28, फिर आपका 31, फिर 30, फिर 31, फिर 24। ठीक है, ये चीज़ें आपको बेसिक बता रहा हूँ मैं, बिल्कुल आराम से चलेंगे, बिल्कुल फास्ट नहीं। जब आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी, जब आपको यहाँ पर ये नहीं लिखना 31, 3 लिखना है, यहाँ पर 28 नहीं लिखना, डायरेक्ट 0 लिखना है, क्योंकि 7 से भाग करके, जो मैं पहले बता चुका हूँ कि जनवरी फरवरी में 31 दिख जाए तो 3, 28 और 30 दिख जाए तो 2, 3। अब ये 24 है तो 7 से भाग कीजिए, 7 या 21 और 3 बचेगा। ठीक है, आपने यहाँ तक के तो निकाल लिए वो डेज, ठीक है, जनवरी से लेकर जून तक। अब रह गई बात 2010 की, तो इसमें वही तरीका जो इससे पहले हमने किया था, 1947 किया था, 46 किया था, जो भी किया था वही वाला तरीका। ठीक है, तो क्या करेंगे, अब इसको 2010 को तोड़ेंगे जिसमें आपको पता है, यानी कि 2010 को मैं तोड़ता हूँ भाई 2000 में और 10 में, तोड़ लिया। अब मुझे पता है 2400 का मल्टीपल है तो इसमें तो हमारे वो डेज आ गए 0। तो अब 10 में निकालने हैं तो 10 में कितने, पहले इसको 4 से भाग कीजिए, ऑर्डिनरी प्लस लीप ईयर। यदि आपको ये चीज़ आज समझ में आ गई तो कोई भी क्वेश्चन आप कर लेंगे। ठीक है, लीप ईयर के लिए 4 से भाग करो, 4 दूनी यानी कि 2 पे जा रहा है तो लीप ईयर आएंगे इसमें 2, कौन कौन से, 4 और 8, 2 लीप ईयर, बाकी जो 8 बच गए वो हमारे क्या होंगे, साधारण दिन। तो यानी कि 8 गुना 1 और 2 गुना 2, 1 लीप ईयर में 2 तो 2 में कितने हो जाएंगे, 2 गुना 2, तो ये 8 और 2 दूनी 4, तो ये आ गया 12। अब इसको 7 से भाग कर दो तो रिमाइंडर बचेगा 5। तो यानी कि 2010 में हमारे कितने आ गए भाई, 5 आ गए 2010 में हमारे कितने आ गए, 5 वोल्टेज।
और यहाँ पर कितने आ गए, तीन और तीन छः, सात आठ, तीन छः नौ बारह और दो चौदह, यहाँ पर कितने आ गए 14। या तो ये 14 है आपका, यानी कि यहाँ को सात से भाग दोबारा कर दो तो कितने आ गए जीरो। तो जीरो प्लस ये वाले ऐड करो और ये वाले ऐड करो, जीरो प्लस पाँच, तो हमारे टोटल ओड डेज कितने आ गए पाँच। अब पाँच का मतलब क्या होता है, पाँच का मतलब क्या होता है फ्राइडे, यही मैंने आपको बताया, पाँच का मतलब फ्राइडे। तो यानी कि इस दिन क्या था, फ्राइडे था हमारा, तो इस दिन क्या था फ्राइडे था, समझ में आ गई। आप देखिए यहाँ पर ये भी कर सकते थे आप, 14 प्लस 5 19, सात से भाग करोगे, सात दूनी 14 यानी कि 5, बात वही है। या फिर ये 14 है इसको पहले सात से भाग कर लो, जीरो रिमाइंडर, और ये 5, कैसे भी कर लो आखिर में करना सात से ही भाग है। तो आप सभी मुझे कमेंट में बताएंगे जो भी आपका जन्मदिन का दिन था, जिस दिन आप पैदा हुए, जो भी आपकी तारीख थी, आप कैलकुलेट करेंगे इस तरह से और मुझे कमेंट में बताएंगे जिस दिन आप पैदा हुए उस दिन आपका कौन सा दिन था, ठीक है। तो ये थे हमारे आज का बेसिक अप्रोच कि आप लोगों को कैसे क्वेश्चन करने हैं, कैसे नहीं करने हैं, कि दिनों में आपको कैसे निकालने हैं, ठीक है, सालों में कैसे ओड डेज निकालने हैं। तो केवल और केवल आज की वीडियो हमारी यही थी कि कैसे आप लोगों को ओड डेज निकालने हैं और कैसे नहीं निकालने हैं, ठीक है, समझ में आ गया। या फिर एक और क्वेश्चन करें इसका, ठीक है। तो पहले आप बताना, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम करते हैं कि आपका जो जन्मदिन है किस दिन था, तो फिर उसके बाद जो बाकी चीज़ें बची हैं, जितनी भी आपकी टाइप बची हैं, क्वेश्चन बचे हैं, वो सभी के सभी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज की वीडियो में केवल बेसिक हम रखते हैं, ठीक है, आज की वीडियो इतने ही। यदि आपको पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।